हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट निकाला गया है, यानी कि वैकेंसी आई है IBPS की तरफ से। तो कितनी वैकेंसी है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, किस किस स्टेट में वैकेंसी निकाली गई है, पूरे इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा आप लोगों को समझाऊंगा एकदम बेसिक से एंड तक। तो ही गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन का टाइम टू टाइम डेली अपडेट देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि किसी वीडियो का नया अपडेट जो भी आता है वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन शेयर टेलीग्राम ग्रुप में किया जाता है और आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो आप लोगों को ये ऑफिशियल दोस्तों PDF है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये इसका ऑफिशियल PDF है, लेकिन काफ़ी लेंदी है। आपको समझाने की कोशिश करूंगा लेकिन समझ में दोस्तों ढंग से ना आएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बेसिक से एंड तक मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश किया है आपको पूरा, ताकि समझ में आ जाए। समझना बहुत ज़रूरी है नोटिफिकेशन को, तो बस ध्यान दीजिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2022, यानी कि आज से ये फॉर्म शुरू हो चुका है और 21/7/2022 तक ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट रहेगा, यानी कि 20 दिन का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। इससे पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। इन्होंने एग्जाम डेट भी आप लोगों को बता दिया है, आपका प्रीलिम एग्जाम जो होगा सितंबर 2022 में होगा और मेन CBT एग्जाम जो होगा अक्टूबर 2022 में होगा। तो अपना एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। मिनिमम एज इसके लिए 20 साल रखा गया और मैक्सिमम एज जो है 28 साल का रखा गया है। आप लोगों को दोस्तों जो एज जोड़ा जाएगा, देख लीजिए 2/7/1994 से लेके 1/7/2022 के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल, इनके एप्लीकेशन के पर रूल के हिसाब से आप लोगों को छूट दे दिया जाएगा। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। जनरल और OBC के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए 175 रुपये आप लोगों को ही पे करना होगा। पेमेंट मोड आपको बताऊं कि फीस जो पेमेंट आप करेंगे उसका पेमेंट मोड आप लोगों का ऑनलाइन रहेगा। अब हमारी बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो एलिजिबिलिटी आपके पास या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या आपके पास दोस्तों डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी चीज़ का। और नेक्स्ट जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए आपके को, ठीक है, अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में। और आपका उस स्टेट में, जिस स्टेट से भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस स्टेट और जहां से वैकेंसी आई है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसी आई है, तो आपका उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का लैंग्वेज आप लोगों को लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कॉर्पोरेट कस्टमर को कर सकें। देख लीजिए, आप अपना देख लीजिएगा किस किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हर स्टेट से ये वैकेंसी निकाली गई है। अपना स्टेट देख लीजिएगा कि आप किस स्टेट से हैं, उस स्टेट से आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, और आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए उस स्टेट का जिस स्टेट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ये पूरे 29 स्टेट में निकाला गया है और टोटल वैकेंसी जो आपको बात करूँ तो 6035 वैकेंसी निकाली गई है पूरे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को मिला के, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीलिम आपका जो एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम एग्जामिनेशन में आपका 3 सब्जेक्ट से आपका जो आने वाला क्वेश्चन है, पहला इंग्लिश से आएगा 30 क्वेश्चन जो आपका 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन आएगा जो 35 मार्क्स का रहेगा, और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आएगा जो 35 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100 मार्क्स का, और 1 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप प्रीलिम एग्जाम क्रैक कर जाते हैं यानी कि पास कर जाते हैं तो आपको मेन एग्जाम में के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और मेन एग्जाम के लिए आप पास हो जाइएगा। तो अब मेन एग्जाम में देखिए क्या क्वेश्चन आने वाला है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा। जनरल इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा, और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आएगा जो कि 60 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से 50 क्वेश्चन आएगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और
एक 190 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 190 क्वेश्चन आपका 200 मार्क्स का रहेगा। आपको इसमें टाइम जो दिया जाएगा दोस्तों, 160 मिनट का दिया जा रहा है, ठीक है। 60 मिनट का आपको टाइम इसमें दिया जाएगा, और इसमें आपको 190 क्वेश्चन करने होंगे, 200 मार्क्स का रहेगा 160 मिनट में। और यहाँ पे इन्होंने शो किया है कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। पूरा नोटिफिकेशन लगभग यही है दोस्तों। और एक चीज़ इन्होंने ये दिया है कि आप जो हैंड डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करते टाइम अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम लिख के अपने हाथों से, अपने हैंड से ये लिख के आप लोगों को अपलोड करना है हैंड डिक्लेरेशन वाले पोर्शन में, ठीक है। ये अपने हाथों से एक पेपर पे लिख के इसको अपलोड करेंगे। यही पूरा क्लियर आप लोगों को मैंने बता दिया, यही पूरा इस पूरे नोटिफिकेशन में था, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। और बाकी जो है वो वैसे आप लोगों को वो दिखाया गया, काफ़ी लेंदी नोटिफिकेशन था जिसको मैंने शॉर्ट करके शॉर्ट तरीके में समझाने की कोशिश किया, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इसी तरह मिलता रहे, धन्यवाद। और काफ़ी मिल भी रहा है, बहुत खुशी होती है, और इसी को देख के मोटिवेशन आता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वैकेंसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।